हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कमेंट आ रहे थे फ्रेंड्स कि आप कौन सा एजल यूज करते हो, उसका रिव्यू वीडियो बनाओ। सो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं अपने एजल का रिव्यू करने वाला हूँ कि ये किस तरीके का है, मैंने कितने में परचेस किया है और आप कौन कौन सा और एजल बाय कर सकते हो और कौन सा नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये हमें इस तरीके के बॉक्स पे मिलता है, मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया था। तो हमें कुछ इतना बड़ा बॉक्स मिलता है जो कि होता है वाइट कलर का और इसमें लिखा है लीडर्स और इसमें ज़्यादा कुछ मतलब कुछ इस बताया गया है इसमें कि क्या है कैसा है, कुछ एंगल से फोटो है, बाकी इस पर तो और कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए इसे ओपन करते हैं। सो गाइज ये हमारा बॉक्स है और मैं सिंपल इसे बॉक्स से निकाल लेता हूँ। सो बॉक्स से निकालने के बाद हमको कुछ इस तरीके का बैग मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसी बैग के अंदर है हमारा एजल। तो देखिए ये बैग का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अब इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ओपन करता हूँ मैं इस बैग को। सो ये तो रहा हमारा बैग और ये रहा हमारा एजल। सो गाइज ये रहा हमारा एजल और हमें बैग भी मिलता है और इस एजल की खास बात यह है कि आप इसे कहीं भी इजीली ले जा सकते हैं। आपको अच्छा सा बैग मिलता है जो कि अच्छी क्वालिटी का, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम चलाओ, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है तो आप इसे बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा एजल है जो कि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो मैंने इसे वापस पैक कर दिया था सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमें ये मिलता है। तो आपको सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या बेनिफिट है। और इसके पहले मैंने एक और एजल बाय किया था जो कि बहुत ख़राब क्वालिटी का था, तो वो आपको बताऊँगी कि कौन सा है और उसे आपको नहीं लेना चाहिए, उसके बदले आपको ये लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसमें दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है इसमें। तो सबसे पहले गाइस ये यहाँ से इस तरीके से खुलता है, ये देखिए ये इस तरीके का है ये। और ख़ास बात ये है कि ये इजीली यहाँ पर लॉक हो जाता है, अगर आप यहाँ पर लॉक करना चाहें तो देखिए यहाँ पर लॉक हो जाता है। कई सारे ट्राइपॉड में ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर लॉक कर सके, लेकिन आप यहाँ इसे ओपन करके पूरा भी यहाँ पर भी ऐसे इजीली लॉक कर सकते हैं और ऊपर भी यहाँ पर इजीली लॉक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है और इसका क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके का, फिर आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ चीज़ मिलता है, जैसे यहाँ पर आपको मिलता है एक बबल जिससे आपको पता चल सकेगा, और ये कुछ डायरेक्शन मशीन है जिससे आपको पता चल सकेगा कि हमारा ट्राइपॉड प्रॉपर सीधा है या नहीं। और साथ में आपको यहाँ पर इस तरीके का एक हैंडल मिलता है जो कि यूज़ होता है, ये जो यहाँ पर हम बोर्ड फिक्स करते हैं उसको ऊपर नीचे करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हल्का सा लूज़ करना पड़ता है ये वाले पोर्शन को ताकि हम इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सके। तो इसको हल्का सा लूज़ करना है, उसके बाद सिंपल से आपको इसको घुमाना है। देखिए जैसे जैसे आप घुमाते जाएंगे इसका हाइट ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो पहले तो मैं आपको इसको रख के बताऊंगा कि किस कितना हाइट पे जाता है। और यहाँ पे आपको एक हैंडल भी मिल जाता है ताकि अगर आपका इस पर कुछ बोर्ड फंसा हुआ या पेंटिंग फंसा हुआ तो आप इसे इजीली इस तरीके से उठाकर ले जा सकते हैं। और इसका हैंडल भी इस तरीके से लगा हुआ है फ्रेंड्स कि अगर आप इस तरीके से पकड़े और इसमें बोर्ड भी रहे या फिर इसका पूरा जो पैर है वो खुले रहे तो भी आप इसे कंफर्टेबल बैलेंस करके पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये तिरछा हो रहा है या फिर इस तरीके से आपको बैलेंस ऐसा नहीं करना पड़ता, आप इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो आपको एक बार कंप्लीट ओपन करके बताता हूँ कि इस ये कितना ऊँचा होता है और इस पर बोर्ड रख के भी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का क्लिप मिलता है जिसको ऐसे ओपन करना है, उसके बाद ये आप इसे लंबा कर सकते हैं। यहाँ पे दो क्लिप मिल जाते हैं, यहाँ से भी मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखिए। और एक और खास चीज़ जो इसका ये पैर है ये इस तरीके से यहाँ पे बॉल लगा हुआ है तो ये भी रोटेट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपका जो फ्लोर है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या फिर कुछ है तो ये अपने हिसाब से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक चीज़ भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एजल को थोड़ा सा बैंड करना रहता है ताकि हम प्रॉपर अच्छी तरीके से पेंटिंग कर पाए, तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मैं इसको एक बार पूरा अच्छी तरीके से ओपन करता हूँ। तो ये देखिए गाइस ये कुछ इतना बड़ा होता है, तो ये आपको इतना बड़ा कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे हमें रखना है बोर्ड जो कि मेरे पास एक पेंटिंग है, मैं उसे रख के यहाँ पर दिखाता हूँ। सो ये एक क्लिप है जिसको आप यहाँ पे लूज करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसपे बोर्ड हमारा जिसपे हम रखते हैं बोर्ड को, तो ये भी आप दोनों साइड का ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने
एग्जस्ट के अनुसार कि आपको किस तरीके का बोर्ड रखना है। और सिंपल हमें इसे इस तरीके से रखना होता है, जैसे यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से फंसा दिया तो ये इजीली कंफर्टेबल रहता है और गिरने के चांसेस नहीं। अगर आप बड़े बोर्ड यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक बार रख के बताता हूँ कि बड़ा बोर्ड आप किस तरीके से रख सकते हैं इस पर। सो ये रहा हमारे पास कुछ इतना बड़ा बोर्ड है। सो मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से रखता हूँ। सो अभी क्या है, ये गिरने के चांसेस, अगर थोड़ा सा धक्का लगता है इसे तो गिरने के चांसेस है। लेकिन अभी किस तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे हम पीछे की साइड गए तो हमें बस ये जो दिया हुआ है बस इसका हाइट बढ़ाना है। तो अभी थोड़ा सा लूज़ करते हैं पहले तो यहाँ पर, उसके बाद इसको ऊपर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर करते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये फंसेगा। सो ये कुछ इस तरीके का है, जो कि हमें यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देके यहाँ पुश करना है बस यहाँ पर, और उसके बाद इसे टाइट कर देना है। तो ये इसमें थोड़ा और नीचे कर सकते हैं हम, इस तरीके से हम प्रॉपर बोर्ड को रख सकते हैं और ये गिरने के चांसेस ही नहीं, ये गिरेगा ही नहीं। तो देखिए इस तरीके का हमारा ट्राइपॉड है, करीब इतना हाइट हमको मिल जाता है। इस साइड से जो दो स्क्रूज दिए हुए हैं वहाँ से हम थोड़ा और हाइट इसका बढ़ा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे इसमें पेंटिंग रख के किए हैं क्योंकि ये पेंटिंग के लिए खास है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें पेंटिंग बना सकते हैं। सो गाइज, आपने देखा कि ये ट्राईपॉड किस तरीके का है, और मैं इसे बता रहा हूँ कि इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि कुछ इसका पार्ट्स लूज़ हो गया या फिर कुछ इस तरीके का गिरने वलने वाला, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। सो आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। ये मैंने बाय किया है सिर्फ 1175 रुपये में, और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने एक और एजल बाय किया था जो कि मुझे मिला था 799 में, और जिसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अगर आप उसमें आप पेंटिंग रखते तो ऐसा होता है कई बार गिर जाता है, और ऐसा पेंटिंग करते समय कई बार वो हिलता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फ्रंट, और उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, जिसमें कुछ कुछ इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ दिया है जो कि उसमें नहीं था। अगर आप इजर बाय करना चाहते हैं तो ये वाला एटलीस्ट बाय कीजिए, इससे भी अच्छे जो क्वालिटी के होते हैं, अगर आपका बजट है उतना तो आप वो बाय कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मिड बजट है तो आप 799 का ना लेकर इसे बाय कीजिए, थोड़ा और पैसा लगा के। ये मैंने 1175 रुपये में बाय किया था, तो आप ये बाय कर सकते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। अगर आप वुड वाला यूज़ करते हैं तो अगर आपका स्टूडियो है तो आप सिर्फ वहीं यूज़ कर पाएंगे, या फिर आप अपने घर पे ही वुड वाला यूज़ कर पाएंगे, उसको इधर उधर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इसे बाय कर ले और आप इसे इजीली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली गाइस मैं इसे सिर्फ पेंटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्केच अभी तक मैंने इतना बड़ा स्केच नहीं बनाया कि मैं इसे ट्राईपॉड में लगा के बनाऊँ। तो आगे मैं जब बनाऊँगा इस पर स्केच, अच्छे बड़े स्केच, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस ट्राईपॉड के साथ काम करने पर, तो आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी तक तो मैंने पेंटिंग बनाए हैं कुछ, सो वो आपको दिखा दिया। सो आप इस तरीके का ट्राईपॉड बाय कर सकते हैं फ्रेंड, ये पूरा वर्थ बाइंग है। सो गाइज, अगर आपको इस ट्राईपॉड को लेकर और कुछ डाउट है या फिर और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दे, मैं उसका ट्यूटोरियल वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ऑयल पेंटिंग से रिलेटेड या फिर एक्रेलिक से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए या फिर किसी आर्ट मटेरियल पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दे। और कुछ कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जिसका मैं वीडियो अभी बनाने वाला हूँ काफ़ी जल्दी, वो भी आपको जल्दी मिलने वाला है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के ट्यूटोरियल वीडियो लाते रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।